वालेकुम नाजरीन कशिर खबरनामा हेत बे साहिल अमीन तुहंदिस खदमतस मंज हाजिर तो पेश खबरन हुंद तफसील। उत्तर प्रदेश किस काशी इलाकस मंज आज अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन सांज करना आमुत यथ मंज घरकुली मामलन हिंद मरकजी वजीर अमित शाह वजीर ममलिकत अजय मिश्रा योगी आदित्यनाथ तो दोमो इंतजामी क्यों जिम्मेदारों अलाव हिंदी जबान सत वस्त अदीबों तो कलमकारों शिरकत कर सम्मेलनस दौरान ये हिंदी जबान पोचर दिनस हवाल कथन दल दिन आव तु अमित शाह पन्नस खिताबस दौरान वोनमुत हिंदी जबान फरोग दिन बापत जरूरी जलाकई जबान यी अलाकई जबान यन मजबूत कर अमित शाह ये खिताब नजर मिलाकर बात हो मैं आपके काम के महत्व को समझता हूं मगर इसमें कोई विक्षेप नहीं आएगा मुझे श्रद्धा है आप बैठ जाइए कृपया आप भी आराम से राजभाषा के लिए मेरे विचार जो है वो सुनिए बैठिए प्लीज बैठ जाइए मैं जिद्दी टाइप का आदमी हूं भैया बाद में ही चालू करूं और मैं आज इस सम्मेलन के माध्यम से देश भर के अभिभावक को भी अपील करने आया हूं उनको अनुरोध करने आया कि आप आपके बच्चों के साथ अपनी भाषा में बात बच्चे चाहे किसी भी माध्यम में पढ़ते हो घर के अंदर अपनी भाषा में इनसे बात करिए उनका आत्मविश्वास जगाइए अपनी भाषा बोलने के लिए जो झिझक है उसके मन से एक बार निकाल दीजिए इससे भाषा का तो भला होगा मगर उससे ज्यादा भला आपके बच्चे का होगा आपकी संतानों का होगा क्योंकि मौलिक चिंतन स्वभाषा से ही आ सकता है दूसरी भाषा रटी रटाए ज्ञान को तो दे सकती है ज्ञान को अर्जित करना है और ज्ञान को आगे बढ़ाने का जो यात्रा है वो मौलिक चिंतन से ही हो सकता है और मौलिक चिंतन स्वभाषा से ही प्राप्त हो सकता है अगर आपने आपके बच्चे के मौलिक चिंतन को एक बार समाप्त कर दिया तो आपका बच्चा देने वाला नहीं बनेगा लेने वाला बनेगा और हर माँ बाप ने लक्ष्य रखना चाहिए कि मेरा बेटा मेरी बेटी मेरी संतान दुनिया को देने वाले बने दुनिया से लेने वाले मैं फिर से कहना चाहता हूं कि हमारा पूरा बल होना चाहिए कि ये जो लघुता ग्रंथी अंग्रेजी शासन काल के अंदर हुई है वो बदलनी पड़ेगी उसको युवाओं के मन से निकालना पड़ेगा और घबराहट की जगह गौरव की अनुभूति हो इस प्रकार के वातावरण की निर्मित होनी हमारा देश पिछड़ गया इसका मूल कारण यह है कि पढ़ाई लिखाई अनुसंधान के विषय हमारी भाषाओं में नहीं हुए और मोदी जी ने ये जो परिवर्तन किया है वो परिवर्तन आने वाले दिनों में भारत के भविष्य को बदलने वाला परिवर्तन होने वाला है इसका मुझे अभी बहुत विश्वास है मैं आज सभी इस सभागार के अंदर तुलसी सभागार के अंदर जो लोग बैठे हैं सभी को अनुरोध करता हूं कि नया शिक्षा नीति का जो एक मुख्य बिंदु है अपनी भाषाओं को मजबूत करने का उसको आप देश भर में इसके स्वागत का एक माहौल बनाइए इसके स्वागत के लिए एक अनुकूल वातावरण की निर्मित कराइए जब तक देश की प्रशासन और नौकरशाही की भाषा देश की नहीं हो सकती लोकतंत्र पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती आज जम्मिस मं जरा इबलाग सत कान वोनमुत आर एस एस तो बीजेपी मुल्कस मज नफरत नफरत फैलान कम कान जन तमो वोन यम मौसूम लूकन मजहब किस नावस पे तशद निशान बनावन तिम तो दहशत गर्दन मं खास फर्क वेल आई थिंक इट्स नॉट अबाउट हिंदुत्व हिंदुत्व और हिंदुइज्म इट इज यू नो द रियल सनातन धर्म डजंट टीच अस कम्युनलिज्म इट्स अबाउट आरएसएस जनसंघ एंड बीजेपी जो यहाँ जो पूरे मुल्क के अंदर लोगों को लड़ाना चाहते हैं कम्युनलिज्म के नाम पे सो दे हैव हाईजैक हिंदुत्व दे हैव हाईजैक हिंदुइज्म इन द नेम ऑफ देयर पार्टीज दे फील कि हिंदुइज्म एंड हिंदुत्व इज बीजेपी एंड आरएसएस ऐसा नहीं है वो कहते हैं कि वासुदेव कुटुंबकम यानी कि पूरा दुनिया जो है पूरा वर्ल्ड जो है वो एक फैमिली है और हिंदू धर्म जो सनातन धर्म है दैट टीचेस अस दैट पर जो बीजेपी और आरएसएस जो सबक पढ़ाना चाहते हैं वो ना तो हिंदुत्व है ना हिंदुइज्म है कंपेयर कर सकते हैं उनको आईसीस जैसी टेरर जमात के साथ कम्युनल पार्टीज को कर सकते हैं बिल्कुल जो कम्युनल पार्टीज हैं जो हिंदू मुस्लिम का झगड़ा करवाना चाहते हैं जो लिंचिंग करते हैं मजहब के नाम पे हिंदू मुस्लिम के नाम पे उसको आप आईसीस के किसी और के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं बिकॉज बोथ ऑफ देम किल पीपल
इन द नेम ऑफ यपर बीजेपी लीडर गिरिराज सिंहन वोनमुत आर एस एस तरफ अक सोच प्रचार कर अत खिलाफ वनन चुन सही बल्कि अत खिलाफ सियासी बयानबाजी कर लूक गुमराह करने कोशिश करने यवान। अगर आरएसएस को गाली दे रहे हैं, आरएसएस को समझना शायद उनके लिए इस जन्म में तो नहीं होगा। आरएसएस भारत की संस्कृति, भारत के सनातन परंपरा का एक तरह से विचारधारा को प्रतीक है। अगर आरएसएस को समझना है, हिंदू को समझना है, हिंदुत्व को समझना है, तो भारत के सर्वे भवन्तु सुखिनः को समझना पड़ेगा। भारत के इस सिद्धांत को समझना पड़ेगा, सनातन के, हिंदुत्व के, वसुधैव कुटुंबकम, ये दुनिया में किसी के पास नहीं। भारत की संस्कृति, भारत के धर्म, भारत का सनातन, भारत का हिंदू, भारत का हिंदुत्व समझना इनके बूते की बाहर की बात है। ये वोट की राजनीति कर सकते हैं, भारत की संस्कृति और सनातन धर्म, हिंदू हिंदुत्व की राजनीति। मैं तो आपको कह चुका कि दुनिया में कोई धर्म नहीं है। सोडर बड़गमस मे आज पीडीएल टीडीएल एम्प्लॉज एसोसिएशन तरफ एहजाजी मुजाहरे करना आमुत यद दौरान एहजाजस में शामिल मुलाजिम इंतजामियाज खिलाफ नारेबाजी करान ऐस एहजाज में शामिल मुलाजिमो तरफ वनना आमुत यदवई महकमे बिजली मज काम करन वाल कैया डेलवेज तो कैजुअल मुलाजिम आज ताम ड्यूटी दौरान जाबाग सपद ताहम छुन इंतजामिया तरफ तिंदिस हकस मज का संजीद कदम तुलना आमुत यम किन तिम एहजाज करनस पर मजबूर सपद एहजाज में शामिल मुलाजिमों तरफ मांग करना आमुत कैजुअल तो डेलवेज मुलाजिमन मसल अंदरावन सवाल गसन संजीद कदम तुलने यन जन तिम बुथिन वल मुश्किल दूर करने यन। ये पीडीएल टीडीएल वर्करान है जो कि ईडी बड़गाम से है। हम पीडीएल टीडीएल के बैनर के तले यहाँ पे आज इकट्ठे हुए हैं। हमारे प्रोटेस्ट करने का जो मुद्दा और मकसद है वो ये है कि 2019 को हमारी एक डीपीसी अमल में लाई गई, बदकिस्मती से आज तक उसके आर्डर जो है वो इजरा नहीं हुए। दूसरी जो हमारी डिमांड है जो कि हमारे डिविजन्स में, सब डिविजन्स में हमारे जो पीडीएल टीडीएल वर्करान हैं उनके फाइलें जो है वो पेंडिंग है, उनको रवाना किया जाए डिविजन से एससी ऑफिस ताकि उनकी सीनियरिटी और डीपीसी फिक्स हो। जो हमारा तीसरा मसला है, बदकिस्मती से जो हमारे भाई अपनी ड्यूटी के दौरान लाइनों के मरम्मत के दौरान शहीद हो रहे हैं, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, उनको प्रॉपर जो है कंपनसेशन मिलना चाहिए और जो हमारे भाई इस दुनिया फानी से रुखसत हो गए हैं उनके हक में, लवहीन के हक में एसआरओ 43 लागू किया जाना चाहिए। और जो हमारी पांचवी डिमांड है, जो भी हमारी 5 महीने की तनख्वाह जो रुकी पड़ी है उसको वागुजार किया जाए जल्द अज जल्द। यपर आज टंगमर्ग मे पीडीएल टीडीएल एम्प्लॉज एसोसिएशन तरफ एहजाजी मुजाहरे करना आमुत यद दौरान एहजाज में शामिल मुलाजिम इंतजामियाज खिलाफ सख्त नारेबाजी करान ऐस एहजाज में शामिल मुलाजिमों तरफ वनना आमुत यदवई कैजुअल तो डेलवेज मुलाजिमन मसल अंजरावन सवाल कैयाई फिर इंतजामिया तरफ यकीन दहानी करना आई ताहम चुना आज ताम कह कदम तुलना आमुत यम किन मुलाजिम सड़कन पर दिनस मजबूर सपद एहजाज में शामिल मुलाजिमों तरफ मसल अंजरावन मांग करना आमुत। जो हमारा आज यहाँ जमा होने का मकसद है वो इसलिए हम यहाँ आए हैं, जो हमारी डीपीसी 14 जनवरी 2019 को हुई है उनके आर्डर इजरा होने चाहिए। जो दूसरा मसला हमारा यह है जो एक्सीडेंट केस से उनका भी मसला हल होना चाहिए।
जो हमारे लड़कों की फाइलें अभी डिपार्टमेंट में पड़ी हुई है उनकी डीपीसी होनी चाहिए। हम आज तक पिछते आ रहे हैं, हमारे लड़के मर रहे हैं, हमने इस डिपार्टमेंट को खून से सींचा है, लेकिन सरकार तस से मस नहीं हो रही है। हमारी गवर्नमेंट से यही अपील है कि हमारा मसला जल्द जल्द हल होना चाहिए। जो 17 तारीख तक हम वेट कर रहे हैं, गवर्नमेंट को हम डेडलाइन देते हैं कि हमारा मसला 17 तारीख तक हल होना चाहिए। 14 जनवरी 2019 में जो हमारी डीपीसी हुई है उसका आर्डर आज तक इजरा नहीं हुआ है। दूसरा मसला हमारे पीडीएल टीडीएल भाइयों का लड़का हुआ है जो एक्सीडेंटल केस हैं, उनके साथ आज तक इंसाफ नहीं हुआ है। और तीसरी डिमांड जो हमारी है, हमारी जो भाइयों की अभी तक जो उनकी जो पेंडिंग सैलरी है वो अभी तक इजरा नहीं हुए। और तीसरी बात यह है कि जो भी फाइलें दफ्तरों में पड़ी हुई हैं डीपीसी के लिए, हमारा मकसद है कि उनकी भी डीपीसी। हपर चाल सोपरस मे पी डी एल टी डी एल एम्प्लॉज एसोसिएशन तरफ एहजाजी मुजाहरे कर आमुत या दौरान एहजाज में शामिल मुलाजिम इंतजामिया खिलाफ नारेबाजी करान एहजाज में शामिल मुलाजिमों तरफ वन आमुत जदवे कैजुअल तो डेलवेज मुलाजिम महकमे बिजली में सिक्षान फरज अंजाम दिवान ताहम चुन महकम तरफ तीन मसल उजरान हवाले कह कदम तुलना आमुत यमकिन तम आवलिन मज हन आई एहजाज में शामिल मुलाजिमों तरफ गवर्नर इंतजामिया मांग कर आमुत तिंद मसल उजरान हवाले ग संजीद कदम तुलने ये जन तुम दोबार सड़कन पे मजबूर सपदान जुह पे मे तनखा बंद पंचतजी नफर कंसु लोगमत मोल कंसु लोगमत बोय कंसु लोगमत खानदार खानदार अस गो यह वरी सफर करान मगर अस वन अस क्या गुना करमित मे लक लक बस मजूर करान सब आयाल पालन अगर मे हमो तम सा नौकरी दिस दि क्या अगर मे हमो वनस नी तो नीख क्या मे गई मे छन बूट चीफ आफिस खसा खसा सेक्रेटरियट खसा खसा एम डी सब जार पार करान चीफ सब जार पार करान मे बैतुल माल वालों यो बची कर्म एंगेजमेंट बस मजूर करान बस तुम बच पालन पालन मे वन मे क्या खता मे वन चीफ साहब मे क्या खता मे खाली गे तनखा कर वाह गुजार बे गुगुलर आर्डर कड़ीडेंट केस तुम्हें आज 3 साल हो गए हमारी डीपीसी होते हुए अभी तक आर्डर हमारे उजरा नहीं किए गए। हम गवर्नर इंतजामिया से पुरजोर गुजारिश करते कि जल्द अज जल्द हमारी आर्डर्स उजरा करें। और दूसरा हमारा मकसद यह है कि जो हमारे एक्सीडेंटल केसेस हादसे के शिकार हो गए, हमारे भाई शहीद हो गए, उनको SRO 43 जल्द अज जल्द लागू किया जाए और उनको कंपनसेशन दिया जाए। और तीसरा मकसद यहाँ पर जो हमारे पेंडिंग फाइल्स डिवीजन में पड़ी हुई है वो चीफ ऑफिस में जाए और उनको डीपीसी सीनियरिटी फिक्स कीजिए। جنوبی کشیر ہندس اوتپور علاقس میں آج لوکو طرف محکمہ پی ایچ ایس خلاف احتجاجی مظاہرہ کرنا آمت یا دوران احتجاج میں شامل لوک محکمہ خلاف نعرہ بازی کران احتجاج میں شامل لوکو طرف ون آمت زدوئی پتمو کئیہو دو پیٹ علاقس من چنابچہ ویسے کن عام لوک مشکل من ہن آئی تو یہ معاملہ متعلق محکم کن ذمہ دار ہز نوٹس من ان آو تاہم چن کان قدم تلنا آمت یم کہ لوک احتجاج کرنس پر مجبور سپد احتجاج میں شامل لوکو طرف انتظامیہ مانگ کر آمت لوکن صاف چناب فراہم کرنے سوال گھن سنجید قدم تلن ان یت زن لوکن بتن ول مشکل دور کرنے ان प्रोटेस्ट आने करने का मतलब यही है कि हम लोग बहुत मजबूर होकर आज ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पिछले 4 दिनों से अवंतीपुरा में पानी बिल्कुल भी नहीं है और जो यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है वो तस से मस नहीं हो रहे हैं। जैसे इसका इंचार्ज एग्जन 2 डिपार्टमेंट इसमें आते हैं, एक मैकेनिकल और सिविल वाले, दोनों तस से मस नहीं हो रहे। यहाँ पे अब इन्होंने थोड़ा अल्ट्रेशन करके एक छोटा सा पंप लिया, लेकिन ये 18,000 लोगों को ये नहीं चला सकता है क्योंकि ये 4 इंची का पंप है और जो हमारा अपनी स्कीम का है वो 10 इंची का है। आप खुद देख सकते हैं कि मतलब ये पानी कैसे चाहिए। इसलिए ये प्रोटेस्ट हमें इसलिए किया कि ताकि ये जो एक्चुअली जो इसका प्रॉब्लम है ना, अभी जो चल रहा है इसका प्रॉब्लम, ये बता नहीं रहे इस जो हमारी स्कीम है इसमें प्रॉब्लम क्या है। इन्होंने हमारे मुंह बंद करने के लिए छोटा सा पंप लाया, लेकिन ये हमारे काम का नहीं है। ये ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 दिन चलेगा, उसके बाद ये स्कीम डिफेंगे। हमारे जो भी आवाम आप देख रहे हैं पीछे जितने भी लोग हैं, 4 दिन से बेचारे महरूम है पानी से। और हमारा बुधवाना अपील है कि खासकर अब DC साहब से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मेहरबानी करके ये मसला हमारा हल कीजिए। 3 दिनों से पानी नहीं है क्योंकि जो हमारे रिवर की लेवल है, वाटर लेवल, वो बहुत नीचे चली गई।
जिसकी वजह से हमारा जो यहाँ दो पंपिंग यूनिट लगे हुए थे, एक जो उसकी पंपिंग लेवल है जिसमें पंप लगा हुआ है वो उसका उससे नीचे पानी चला गया, और जो दूसरा पंपिंग यूनिट है उसमें ब्रेक डाउन आ गया। ब्रेक डाउन की वजह से जो ये ब्रेक डाउन आ गया उसमें जो ये पंपिंग यूनिट है इसको वर्टिकल टर्बाइन पंपिंग यूनिट कहते हैं। इसमें रिट्रीव करने में 3 दिन लग जाते हैं, फिर रिपेयर करने में 3 दिन लग जाते हैं, और उसके बाद फिर लोअर करने में 3 दिन लग जाते हैं। ये बहुत बड़ा सोफिस्टिकेटेड मैकेनिकल जॉब है। इसके लिए हमें पानी देने के लिए जो लोगों को पानी इस हफ्ते में जो इनको मुश्किलात होंगी, हमने एक नया प्रपोजल किया, एक सबमर्सिबल पंपिंग यूनिट यहाँ इंस्टॉल करने की कोशिश कर रहे हैं इस वक्त, जो इंशाल्लाह शाम तक चलेगा। तो उस पंपिंग यूनिट से हम इनको थोड़ा बहुत इंटरिम रिलीफ देंगे। फुल सप्लाई हम नहीं दे सकते इस पंपिंग यूनिट से, लेकिन हम इनको रिलीफ दे सकते हैं 60-70%। गांधरबल में आज नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी तरफ तकरीबी हूं सांस करना आमुत यथ पार्टी लीडरों तो वर्करों शिरकत कर अथ मौकस पे ये कैयाव लूको तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी में शमूलियत करना आई तत तिमन पार्टी लीडरों तो वर्करों तरफ वालहान इस्तकबाल करना आमुत यन मौकस पे वर्करन पे जोर दिन आव तम गान कम करें युत जन ज्यादा खुद ज्यादा लूक नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी में शामिल सपदन। ییمہ سات اشفاق جبار سے سپورٹ کور کہ امس دیو سا گاندربل من منڈیٹ مے تر من بڑ اہم رول کورمت تم سقس من تم سقس من تم سات منڈیٹ دنس من سات پہ تم منڈیٹ نیوز بنو ایم ایل اے گاندربل مگر یم دن کہ نیشنل کانفرنس سے ورکر اس تم کر تم ساری نظر انداز ساری یم دن تم پن کے ساتھی اس چاہے تم کنی پارٹی سات اس یا نبر پارٹی نبر اس سو تم یو سپورٹ کر نیشنل کانفرنس ورکر کر ساری اگنور ونکس ہاں کی ایجنسی انڈیا مز یت نیشنل کانفرنس پتہ لجم تمام ایجنسی نیشنل کانفرنس ابری نیشنل کانفرنس ام سات مضبوط وعدہ کیا وعدہ کرتے ہیں آجان کہ ہم ہولی اینڈ سولی وی ول ورک ویری ہارڈ فار دی نیشنل کانفرنس بیٹرمنٹ آف دی نیشنل کانفرنس بیٹرمنٹ آف دی عمر عبداللہ جو یہاں تک آج تک قیادت تھی وہ لوگوں کا نہ ڈائریکٹر جنرل ہارٹیکلچر اعجاز احمدن آج ہروونس من قائم نرسری ہند دور کورمت یت دوران تم ہمراہ محکمک دم افسر توجود اس دورس دوران یت تمو نرسری من کام کار جائزے ہوت تتہ تمو ونمت ز نرسری پہ غیر قانونی قبضہ حوال اس تم شکایت سے موصول سپز مز یم پت جائزے ہن باپت نرسری ہند دور کر آو یل زن اعجاز احمدن ون معاملس حوال چ کیسن ملازمن خلاف موقسی پہ کاروائی تمل مز ان آم ہمیں رپورٹس آ رہی تھی کہ ہماری نرسریوں میں کچھ انکوریجمنٹ کا ہو رہا ہے اسپیشلی ہرون نرسری میں، تو اس سلسلے میں نے آج دورہ کیا ہرون کا بھی اور یہاں ذکورہ نرسری کا بھی، تو اس میں انکوریجمنٹ نہیں ہوا لیکن ابھی چانسز ہیں انکوریجمنٹ کے، تو میں نے اپنے افسروں کو ہدایت دیے کہ جو ہم نے اپنے آپریشنز کرنے ہیں ایکسپیڈائٹ کرنے ہیں کیونکہ ابھی جاڑے کا موسم ہے، پروننگ اور جو ویڈنگ اور دوسری جو آپریشنز ہے جو ہمیں ونٹر کے لیے پریپریشن کرنی ہوتی ہے وہ امیڈیٹلی ہر ایک ڈسٹرکٹ افسر کو جو بھی ہمارے ڈسٹرکٹس ہیں ان کو میری طرف سے چی ایچ ایس کو یہ ہدایت ہے کہ امیڈیٹلی اس پر لگ جائیں اور شاخ تراشی کا کام جو اپنی نرسریز میں اور اپنے آرچرڈس میں ہے وہ پرائیورٹی پر کر لیں۔ اس کے علاوہ میں نے کچھ ملازموں کے خلاف کچھ کاروائی بھی کی، کچھ اٹیچ بھی کیے، تو یہ اسی وجہ سے کہ میں نے دیکھا کہ ان کی پرفارمنس ٹھیک نہیں لگی مجھے فیلڈ میں، اور میں آپ کے مادھیم سے بھی یہی میسیج دینا چاہوں گا اپنے دوسرے افسروں کو بھی کہ ترنت اپنے کام میں جٹ جائیں، جو بھی ہم نے آپریشنز کرنے ہیں ڈیولپمنٹ کے وہ کر لیں پریارٹی میں۔ اگر میں نے کہیں پایا کہ میرے افسر لفت شاری میں ملوث ہیں، کام صحیح نہیں کر لیں گے، تو ان کے خلاف جو بھی قانونی کارروائی ہوگی ایز پر نارمز وہ کی جائے گی، اس میں کوئی رعایت نہیں پڑتی۔ سیاحتس پوچھر دن باپت یہ محکمہ سیاحت جموں کشمیر انتظامیہ طرف کئی قدم تلنے تک آج شمالی کشیر ہندس لولابس من محکمہ سیاحت طرف ضلع انتظامیہ کے اشتراک ست لولاب مالک سانس کرنا آمت یت مز نظم سیاحت ضلع ترقیاتی کمشنر کپوارس علاوہ انتظامی کے دومی افسروں مقامی لوکوں تو فنکاروں شرکت کر ات موقع پہ یہ سیاحت پوچھر دن سوال کتن دل دن آو تک مقامی نوجوانوں تو فنکاروں طرف رنگا رنگ پروگرام پیش کر آمت یل زن ذمہ داروں طرف ون آو لولاب علاقہ سیاحتی نقشس پہ انس حوالہ یتھن پروگرام ہند سانس کرنے زن زیادہ کھت زیادہ سیاح لولاب علاقہ مز ین۔
कि आने वाले दिनों में जब हम देखते हैं विंटर ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, सारे जगहों पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से मिल करके हमने डीसी साहिबान से गुजारिश करके इकट्ठे प्रोग्राम बनाया हुआ है, जहां पहली शुरुआत मुझे लगता है उसकी हमने आज यहां लोलाब से की है। लोलाब अपने आप में एक बहुत ही हिस्टोरिकल प्लेस है जैसा कि आप जानते हैं सारे, और नॉट ओनली दैट बल्कि आप कलरस देख लीजिए, आप बंगस देख लीजिए, आप बाकी यहां के टूरिज्म के पोटेंशियल देख लीजिए, तो अपने आप में बहुत एक अच्छा पोटेंशियल है। इस चीज़ को शोकेस करने के लिए और इसको पब्लिसाइज करने के लिए आज जो हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जो फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया है, ये एक प्लेटफॉर्म है प्रमोटेड। आगे आने वाले दिनों में जब आप देखेंगे यहाँ पर ट्रैकिंग के हवाले से बहुत सारी एक्टिविटी होने वाली है। वादी में खेलन हूँ बुनियादी ढांचे मजबूत करने सवाल ये जम्मू कश्मीर इंतजामिया तरफ कई कदम तुलने आम आज अशमजी कुलगामस मं इंतजामिया तरफ तकरीबी सज कर आमुत ये जिले तरकियाती कमिश्नर कुलगोम तो इंतजामी क्यों दोमो अफसरों अलावे मुकामी लूको शिरकत कर अत मौकस पे ये जिले तरकियाती कमिश्नरन प्ले ग्राउंडस इफ्तिताह कोर तत तमो वो नौजवान खिलाड़ियों बेहतर सहूलियात आयतन थवनस हवाल ये कदम तुलने युत जन मुकामी खिलाड़ियों गिंदनस द्रकनस दौरान मुश्किल वेतरन पे। देखिए आज पंचायत हलका अशमुजी ब्लॉक कोइमू में डिप्टी कमिश्नर कुलगाम ने इस प्ले फील्ड का इफ्तिताह किया है। इसका तखमीना करीब 20 लाख रुपए है और अभी तक 10 लाख रुपए खर्च हो चुका है। ये उसी सिलसिला की एक और कड़ी है जिसमें सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन ये चाहती है कि हर एक पंचायत में एक प्ले फील्ड होना चाहिए। इस तरह हम यूथ की एनर्जीज को सही तौर बारहवीं कार लाकर इनकी बेहतर तौर नशोनुमा कर सकते हैं। थैंक यू। सोम स्टेट त्राल सबस्त ट्रांसपोर्टर तरफ से शिकायत भवान वन आमुत यदवे स्टैंड के खस्ताहली हवाले कई आई फिर हुकाम जोन अत कु फिर आव ताहम आज ताम कह कदम तुलने आमुत यमकिन स्टैंड सबस्त ट्रांसपोर्टर तो आम लूकन सटा मुश्किल वेतरन पे मुकामी ट्रांसपोर्टर तरफ से इंतजामिया मांग कर आमुत स्टैंड शहर पर हवाल गदम तुलने यन युत जन तिम बुथिन वल मुश्किल दूर कर। हमारा मसला ये है कि जो ये सियासत स्टैंड बना है, मतलब जो त्राल की ड्यूटी है, इस ड्यूटी को ठीक रखने के लिए इंतजामिया से इल्तिमास करता हूँ कि ये जो रो मतलब बस स्टैंड है सोमू स्टैंड में अगर गाड़ियाँ साफ सुथरी होती है, जो होटल की बिल्डिंग बनी है यहाँ, जो उसका कचरा वचरा निकलता है वो सड़क इसी मतलब स्टैंड में जमा होकर कहीं इसकी मतलब ड्रेनेज नहीं है, वो मतलब बिल्कुल खस्ता हालत में है। अगर हमारे ड्राइवर साहिबान गाड़ियों को साफ रखते हैं, मेट उनके बिल्कुल साफ जैसा शीशे होता है, तो जब पैसेंजर से आते हैं तो गाड़ी में बैठते हैं उनको मतलब वो मेट भी ख़राब होते हैं, गाड़ी की हालत भी खस्ती होती है बिकॉज ऑफ जो होटल की बिल्डिंग है उसका कचरा निकलता है और गंदा पानी वो मतलब जमा होता है यहाँ, और मतलब ये स्टैंड सब कुछ खराब हो गया, कोई मतलब हम गवर्नमेंट निजाम से। और नाजरीन इस खबरनामा दी इजाजत खुदा सवाल।